अबे क्या हो गया, क्या बात कर, ओए पत्थर निकला तू, ये तो रिटर्न रिप्लेसमेंट बंद हो चुका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। रिटर्न और रिप्लेसमेंट जो हम लोग करते थे पहले खरीदने के बाद 7 दिन में, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बंद हो चुका है। इसीलिए तो सबसे बड़ा स्कैम है, ये रियलमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बोलिए, मैं बता रहा हूं 86471। हां ये देखिए आपका फोन का डिटेल्स आ चुका है, ये आपका फोन है, वारंटी एक्सपायर हो रहा है 22/8 यानी कि अगस्त को 2025, आज सितंबर का 25 तारीख है और ये अगस्त का 22 तारीख एक्टिवेशन डेट है। पूरे एक साल का वारंटी दिखा रहा नहीं मिलेगा ये, जब सेट लेके आप सर्विस सेंटर जाओगे ना, सर्विस सेंटर में जाओगे सर, सर्विस कर दो, बिल दिखाओगे, वो एक्टिवेशन डेट के ऊपर वारंटी होता है सर। रिप्लेसमेंट गारंटी तो मिलेगा मेरे को, मतलब रिफंड नहीं मिलेगा, रिप्लेसमेंट नहीं होता है, यही तो ये लोग का फ्रॉड है ना। रिटर्न रिप्लेसमेंट बंद हो चुका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जागो ग्राहक जागो, सतर्क बनो, जानकार बनो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिटर्न रिप्लेसमेंट बंद हो चुका है, इसीलिए ऑनलाइन से ये प्रोडक्ट परचेस करना बंद करो, नहीं तो कहीं से पत्थर और कहीं से पुराना एक्टिवेटेड डिवाइस भी मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं स्टोर से खरीदो, जेन्युइन प्राइस पे जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदो, ताकि ऐसा दो नंबरी फ्रॉडबाजी ना हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिटर्न रिप्लेसमेंट बंद होने का कारण ही यह है कि खुलेआम वो ये फ्रॉडबाजी कर सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपका फ्रेंड्स, आपका फैमिली मेंबर, कोई भी ऑनलाइन से कुछ लेना चाह रहे हैं, ये जो दो नंबरी है जो उनके साथ फ्रॉड होने वाला है, इससे वो बच सके। अरे तारातारी करो, ओटीपीটা দিন। 624136। আরে দাদা আমার বাড়ি ওইদিকে, তুমি এদিকে ডাকাচ্ছো ফোনের জন্য, আরে দাদা ওইদিকে চলে আসতে পারতো, ওটিপিটা দিন দাদা, দিয়ে দিচ্ছি। আরে সুরেশ কি নিচ্ছিস? আরে ভাই কে ফোন কে লে রে ফোন यार फोन लिया, हम भी फोन ही ऑर्डर किया है। अरे ये देखना क्या हालत हो गया पुराना, वही तो मेरा भी डिस्प्ले टूट गया था, नया ग्रीन लाइन आ गया, अभी इसीलिए आईफोन ऑर्डर किया था। अरे वाह, अरे मेरा तो छोटा मोटा फोन लिया, हम रियलमी का ऑर्डर किया था, देखते हैं। अच्छा अच्छा, ओटीपी तुम्हारा 526 खुलते बार में तो है 321 321। तू कौन सा लिया? अरे आईफोन ऑर्डर किया था, आईफोन ऑर्डर किया। अरे अच्छा डिस्काउंट मिला यार, डिस्काउंट रेट में था क्या पूरा? मेरा भी डिस्काउंट रेट में ही था, मतलब ऑनलाइन में हम कंपेयर किया, दुकान से एकदम कम दाम में मिल रहा था मेरे को, हम इसलिए ऑनलाइन से ऑर्डर कर लिया। अबे क्या हो गया, क्या बात कर, ओए पत्थर निकला तू, ये तो भाई कैश ऑन डिलीवरी करवाए थे, पेमेंट कर दिया था। अरे पेमेंट कर दिया था यार, कहाँ है ये लड़का? अभी मेरा वाला भी हम चेक कर लेते हैं, मेरा तो देख देख आ रहा है यहाँ पे, मेरा वाला में तो बॉक्स तेरा है, तो ठीक है, बॉक्स तो देख, बॉक्स के अंदर देख फोन है या नहीं, तेरा क्या स्कैम है यार ये। अरे मेरा है शायद, है निकला फोन, निकला तेरा तो आया यार, मेरा चूना लग गया यार, ठीक है मेरा तो फोन निकल गया भाई, क्या चूना लगाया यार, क्या बोलूं अब, बोल क्या कचरा दिया है ये, है चल तेरा तो आया। अरे क्या हो गया? अरे दादा देखे ना, ऑल किया था जी, ये देखिए क्या आया, आप लोग पहले रास्ते से इधर आइए, तो ये क्या हुआ? अरे देखिए ना, ऑनलाइन मॉडल ऑर्डर किया था आईफोन का, आईफोन 13 ये रहा, ये आया है, पत्थर आ गया, क्या बोल रहे, दिख रहा है नहीं, मेरा वाला तो जेन्युइन आ गया। आपने क्या मंगवाया? मेरा तो ये Redmi Note सॉरी Realme, कौन सा प्लेटफॉर्म से मंगवाया आपने? ऑनलाइन मंगवाया था। तो आप लोगों को मालूम नहीं था क्या ये ऑनलाइन रिप्लेसमेंट और ये सब बंद हो चुका है अभी? नहीं, हम कम रेट में मिल रहा था, इसका हमने कुछ एक्चुअली यही तो चक्कर है, कम के चक्कर में नहीं बढ़ना चाहिए ऑनलाइन में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक जो टीवी और फ्रिज मोबाइल ये सब है, एक्सचेंज रिप्लेसमेंट बंद हो चुका है अभी, क्या करे। देखिए अभी आपका निकल गया, इनका देखिए पूरा लॉस हो गया, पत्थर आ गया, अब एक्सचेंज आपको मिल जाएगा, वैसे अभी आपको उसका पीछे घूमना पड़ेगा, अब टेंशन मत लीजिए पहले तो। अरे इतना महंगा फोन है कैसे टेंशन नहीं ले दादा? क्या ऑर्डर किया था वैसे आप? आईफोन 13 ऑर्डर किया था मैंने, डिस्काउंट देकर मिल रहा था। आईफोन 13 की जगह पत्थर आ गया, चार पांच दुकान में घूम के आया, देखा कम दाम में मिल रहा है ऑनलाइन, तो ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, इसीलिए कभी नहीं खरीदना चाहिए, इसीलिए भैया ऑनलाइन हम कहते हैं कभी परचेस नहीं करना चाहिए। क्या बात बोलते हैं भैया, मेरे को कम में मिला था, मेरे को स्टॉक भी मिल गया, मेरे को मैं खरीद भी लिया फोन,
या कम का चीज ही में ही गड़बड़ी होता है। ये जो प्लेटफॉर्म सब है ना ऑनलाइन वाला, इसीलिए इन्होंने ऑनलाइन का जो एक्सचेंज ये सब बंद कर दिया। मैंने 5 दुकान भेजा, इसका दाम वेरीफाई किया पहले जी, पहले जी। 5 दुकान में मैंने चेक किया जी, कहीं पे इनको डिस्काउंट रेट नहीं मिला था। और मैंने रियलमी 13 प्लस रियलमी 13 प्लस मैंने ऑनलाइन में चेक किया, मेरे वहाँ पे कम में मिल गया, जेन्युइन प्रोडक्ट भी आ गया। अच्छा, आपने जब ऑनलाइन में ये परचेस किया, आपको वहाँ पे दो टाइप का रेट दिख रहा था, एक ज्यादा या कम? हाँ, वहाँ पे दिखा रहा था मैंने कम। आपने सस्ता वाला खरीदा, ऑब्वियसली कम वाला। सर ये एक्टिवेटेड डिवाइस है, सिम पैक आपने बोला, फोन तो मेरे हाथ में आ चुका है। कैसे ये अभी IMEI नंबर से मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास रियलमी का डिवाइस है ना, मैं इसका भी वारंटी आपको चेक करूँ। आपका यहाँ पे ना IMEI नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे को जरा ये बताइए, ब्रांड न्यू है क्या? आप बताइए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रियलमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बोलिए, बता रहा हूँ, 86471 5067। ये देखिए आपका फोन का डिटेल्स आ चुका है, ये आपका फोन है, वारंटी एक्सपायर हो रहा है 22/8 यानी कि अगस्त को 2025, यानी कि अगस्त का एक्टिवेशन फोन है ये। ऑनलाइन से आप लोग जो खरीदते हैं ना, आज सितंबर का 25 तारीख है और ये अगस्त का 22 तारीख एक्टिवेशन डेट है। पूरे एक साल का वारंटी दिखा रहा है, नहीं मिलेगा ये। जब सेट लेके आप सर्विस सेंटर जाओगे ना, सर्विस सेंटर में जाओगे सर, सर्विस कर दो, बिल दिखाओगे, वो एक्टिवेशन डेट के ऊपर वारंटी होता है सर। रिप्लेसमेंट गारंटी तो मिलेगा मेरे को, मैं तो रिफंड कर देता। नहीं मिलेगा, रिप्लेसमेंट नहीं होता है, यही तो ये लोग का फ्रॉड है ना। आप रिटर्न रिप्लेसमेंट बंद हो चुका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, रिटर्न और रिप्लेसमेंट जो हम लोग करते थे पहले खरीदने के बाद 7 दिन में, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बंद हो चुका है, इसीलिए तो सबसे बड़ा स्कैम है। इसीलिए सर 2 पैसा ज्यादा पड़े, 500 रुपए ज्यादा पड़े, जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदिए। और आज के दिन में तो प्राइस डिफरेंस है ही नहीं, आज के दिन में 5 दुकान घूमा उसके बाद में परचेस किया, मेरे को 1 साल का वारंटी वहाँ पे दिया हुआ है, रिटर्न पॉलिसी है। आपका ये एक्टिवेशन डिवाइस है पुराना, ये एक्टिवेशन डिवाइस है 1 महीना का जी। अब किसी ने कवर अच्छे से लगा के 1 महीना यूज भी किया, हो सकता है ये डिवाइस आपको कैसे मालूम, ये सेकंड हैंड भी हो सकता है। ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे गूगल पे सर्च करिए, बहुत कस्टमर ने कंप्लेंट डाला है, स्क्रीनशॉट डाला हुआ है इस एक्टिवेशन केस के बारे में। ये जो पुराना एक्टिवेशन डिवाइस सेल हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आप देखोगे 2 प्रकार का प्राइस है वहाँ पे, दाम बहुत सारा दिखाते रहते हैं। एक जेन्युइन प्राइस जो आपको दुकान पे मिलता है वो प्राइस पे भी मिलता है, और एक आप देखोगे कि डिस्काउंट प्राइस है जी, अलग अलग कलर का भी दाम था। दाम रहता है सर इसका, कुछ नहीं है, एक्टिवेशन वाला माल जो एक्टिवेट करता है पीछे स्कीम के टाइम में एक्टिवेट करके रखता है, वो ये लोग ऑनलाइन में बेचता है बाद में। फ्रॉड हो गया, अच्छा खासा फ्रॉड हो गया, 1 महीने का आपको दे दिया पुराना डिवाइस, इनको मिल गया पत्थर। जागो ग्राहक जागो, सतर्क बनो, जानकार बनो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिटर्न रिप्लेसमेंट बंद हो चुका है, इसीलिए ऑनलाइन से ये प्रोडक्ट परचेस करना बंद करो, नहीं तो कहीं से पत्थर और कहीं से पुराना एक्टिवेटेड डिवाइस भी मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं स्टोर से खरीदो, जेन्युइन प्राइस पे जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदो, ताकि ऐसा 2 नंबरी फ्रॉडबाजी ना हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिटर्न रिप्लेसमेंट बंद होने का कारण ही यह है कि खुलेआम वो ये फ्रॉडबाजी कर सके। और मैं तो ये बताता हूँ, आप ऑफलाइन में जाओ, अच्छे से बात करो, गिफ्ट मिलेगा, डिस्काउंट भी वहाँ पे ज्यादा मिलेगा। आपका फ्रेंड्स, आपका फैमिली मेंबर्स कोई भी ऑनलाइन से कुछ लेना चाह रहे तो वो सतर्क बन जाए और उनको ये जो 2 नंबर है जो उनके साथ फ्रॉड होने वाला है इससे वो बच सके। ऑफलाइन स्टोर से ही लीजिए, आपके नजदीकी दुकान से ही लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा और सुनने वाला एटलीस्ट आपका कोई रहेगा वहाँ पे। Thank you.